आपको पता है कि इनकी तो जॉब चली गई है भैया की, और ये बुटीक चलाते हैं, अपने कपड़े वगैरह सिलते हैं। अभी शॉप के बाहर ही हम लोग बैठे हैं, अंदर शॉप है। हेलो मान्या जी, कैसे हो आप? ठीक हो आप? और आप बताओ, सब बढ़िया? ठीक है जी, बढ़िया। कैसी है हमारी मान्या फिर आजकल? मान्या आजकल ठीक है, आजकल मान्या के पापा घर में है, मान्या की केयर करने के लिए। बिल्कुल भाई, जैसे आपको पता होगा कि हर बार जब भी मान्या के पास आता हूँ तो मान्या की हेल्थ के बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि हमारी मान्या कैसी है, हमारी मान्या की कैसी कंडीशन है। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मान्या के जो पापा हैं उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है मान्या की केयर करने के लिए, क्योंकि आपको पता कि मान्या को SMA Type 2 करके बीमारी है, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसी कारण मान्या के पापा को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। और आजकल ना वैसे जॉब छोड़ने का मुझे लगा कि लगता है कि प्लस पॉइंट हुआ है ना। हाँ, बेटी के लिए तो ठीक है, हाँ, मतलब बीमार नहीं रहे। बाकी चलो इनकम सोर्स तो ख़त्म हो गया, पर यह कि हमारी मान्या थोड़ी ठीक रहने लगी, क्योंकि गाइस आपको पता है कि मान्या कितनी बीमार रहती है, और SMA Type 2 बीमारी जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और मान्या आजकल ठीक हो आप? हाँ जी ठीक हो। और हमारी मान्या गाइस लंबी भी हो चुकी है और तेज तो है ही है पहले से ही इंटेलिजेंट है बहुत। और ये देखो गाइस, ये गाइस इसकी टांगों को स्टेबल करता है, इसकी बेल्ट दिखाना। और गाइस इसकी ना वही बात है ना गाइस, कई बार ना दुआएं काम आती हैं, सब कुछ जितने भी माता पिता के एफर्ट्स हैं वो काम आते हैं, ढेर सारी चीज़ें काम आई। जो लास्ट वीडियो में आपने बेल्ट देखी थी, अभी निकाली इनके पेरेंट्स ने ये बेल्ट, और इसी बेल्ट को लगाती है माने अपने पूरे कमर पे। क्या होता है थोड़ा बताएंगे एक बार फिर से? रीढ़ की हड्डी स्टेबल रहती है और काफ़ी हद तक रीढ़ की हड्डी में सुधार भी आया है। सुधार आया हुआ है ना, ठीक है। तो अभी डॉक्टर्स क्या कहते हैं? अभी डॉक्टर्स ने तो क्या बोलना, बस ट्रीटमेंट चली हुई। वो जो 25,000 वाला क्या बोलते हैं, रिपोर्ट नहीं, टेस्ट हुआ था वो नेगेटिव आया हुआ है, मतलब ठीक है ना वो? हाँ जी ठीक है। चलो बढ़िया, हाँ जी वो ठीक है। बाकी आगे क्या प्लान बताते हैं डॉक्टर्स? बाकी आगे शायद इसको हर 3 मंथ बाद इंजेक्शन लगेगा। कितने का आता है वो? वो PGI जाके ही लगवाना पड़ेगा, सरकारी तो सस्ता है पर बाहर तो है 2200 का, 2500 तक मिल जाता है, प्राइवेट लेना हो, ठीक, ठीक। कर लेना हो। और दवाइयाँ कितने, कैसे क्या चल रही हैं अभी, क्या ट्रीटमेंट करा रहे हो आप? चल रही हैं इसकी विटामिन वगैरह की, अच्छा वगैरह की चल रही है। आपको हर बार बताता हूँ कि मान्या की क्या कंडीशन है और मान्या को क्या बीमारी है। मान्या क्या बोलना चाहोगे? थैंक यू और क्या बोलना चाहोगे? अच्छा कुछ सुना दो, आज कुछ सुनना चाहेंगे हम बड़े दिन बाद। कृष्ण रैप सुना, ठीक है कृष्णा रैप सुना दो। आराम से और जोर से और गा के। दुख सुख मेरे जन्म से पहले, जन्म से पहले मेरी मौत इंतजाम, कैसे कहूँ कहानियाँ, अब सुन पुल दिखता, मैं जन्म हुआ मेरा जेल में, माँ बाप का चले मैंने देखा नहीं, रोती रही माँ देव की जुदाई, जो भेद में माँ माँ से मिला उपहार, मेरे माता पिता लाचार थे, सिपाहियों को मारा, सामने आंसू थे माँ की आंखों में, वैसे तो था भगवान मैं, अजीब खेल है मेरे माता पिता मेरे देव, वो दोनों ही थे मेरे कर्तव्य मिले मुझे जन्म से, बचपन बीता घस में, जिस माँ ने पाला पोसा मुझे हो गया दूर मैं, जिस विधि का क्या विधान था, क्या लेख लिखा था कर का, तुम ठीक सुनो तो लेते हो, मैं रो भी न पाया से कहने को, तो मैं सब कुछ था मैं भी, मैं रंग भी कष्टों से भरा था, मेरे दुखों का मेरे अंत नहीं, नहीं क्या क्या खेल कूद की उम्र में मेरे अनेक थे, छुड़वाना था माता पिता को कई बरसों से, थे धर्म के चलते धर्म से वो वृंदावन भी छोड़ दिया, मुद्रा की उन गलियों से भी अपना दामन पोस लिया, वृंदावन के साथ साथ किस्मत भी छूट गई, हाँ प्राणों से भी प्रिया मेरी वो रानी छूट गई, बांसुरी को त्याग दिया सब छोड़ छाड़ के तो गया, सुदर्शन करके गाना धुन मुरली की भूल गया, धर्म के चलते धर्म भूल गई। क्या बात है, आगे बता दो। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर चला गया मैं, माखन चोरी करता था मेरी बन गई, समय का चक्कर अजीब था, मैं जीत के भी हार गया, धन बचाने को दुनिया ने कब की बता दिया, तरह तरह के साप ले शुरू की, सूख गई मैं कांडा के साप से, मेरी द्वारिक नगरी डूब गई, मेरी बात भी छूट गई, मेरी द्वारिका भी डूब गई, क्या ही पाया जीवन से जब प्रेम टूट गई, विश्राम करने लेटा था मैं तीर्थ में, आ लगी तुम जीते जिंदगी चैन, मौत चैन की नाम ली, मानव के इस रूप में न जाने क्या करे, खर मस्त देखा मेरे बीक का मस्तक देखा, रोबती का चीर का अकाल मरण। कैसे याद है भाई इतना सब कुछ? कौन सी क्लास में है अभी बता देना? सेकंड क्लास। ये किसने सिखाया? खुद सीखा। खुद सीखा? कहाँ से सीखा? कहाँ से? यूट्यूब। यूट्यूब से, क्या बात है।
बस ये देखो ना, जिसने मतलब सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ करना है तो वो कुछ भी करता है। अभी सेकंड क्लास में हमारी मानिया पढ़ रही है, 6 साल की मानिया, और देखो कितनी लंबा इसने गाया, इतना तो हमें भी याद नहीं रहता है। देखो कितनी इंटेलिजेंट है हमारी मानिया। अगर ये इंटेलिजेंट बच्चा ठीक हो जाए तो अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स को खुश कर सकती है, आगे बहुत कुछ कर सकती है। बाकी सारी जानकारी आपको बता दी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और गाइज़ एक बार फिर से नीचे गूगल पे मेंशन कर रहा हूँ इनका, जो कि आप हर बार कुछ ना कुछ, चलो जितना हो सकता है आपसे आप लोग करते हो, पर जितना चाहिए उतना खैर हो नहीं पाता, इसलिए बार बार आपके सामने आते हैं, बट फिर भी। और अभी ये आपको पता है कि इनकी तो जॉब चली गई है भैया की, और ये बुटीक चलाते हैं, अपने कपड़े वगैरह सिलते हैं। अभी शॉप के बाहर ही हम लोग बैठे हैं, अंदर शॉप है। बाकी गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मानिया बाय बाय कर दो, थैंक यू बोल दो, थैंक यू।